स्पोरोफाइट वो हिस्सा होता है जो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। हर ग्रुप में आपको ये जानना है कि कौन डोमिनेंट है और कौन किस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ पर गैमेटोफाइट को डोमिनेंट बोल रही हूँ, दैट मीन्स जो दूसरा प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है? स्पोरोफाइट। सूखी जगहों पर जब सक्सेशन होती है, चेंज होती है, तो उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है लाइकेंस और एक होता है मॉस। अगर इस डंडी के ऊपर मेल होगा, मेल गैमेटोफाइट, तो उसको बोला जाता है N3DO4। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम, एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, और वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लांट ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइटा। हमने इसके पिछले लेक्चर में बात की थी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी जिनका इस्तेमाल किया गया है क्लासिफिकेशन में, और हमने सबसे लोएस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स की बात की थी, दैट इज एल्गी, द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई एम्ब्रियो नहीं होता, कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, बट कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, क्योंकि वो मिलते ही पानी में है, तो उनके उनका पानी के लिए कभी कोई प्रॉब्लम हो उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया, बिकॉज दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ऑल्दो देयर आर एल्गी, एल्गी क्या है बच्चों, काई आपके छत पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी मिल जाता है, बट डेफिनेटली वहीं पर मिलेगा जहां पर पानी होगा, उनकी वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सारा क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स वो एक टेबल में, और एक चीज जो एल्गी की रह गई थी दैट वॉज द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में बच्चों लास्ट में दिया होता है, बट व्हाट आई प्रेफर कि जब जो जो ग्रुप पढ़ते चलो उनका लाइफ साइकिल वहीं पर डिस्कस करते चलो, तो पूरा का पूरा ग्रुप रिकॉल हो जाता है, एक तरीके से रिवाइज हो जाता है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव यू, दैट अगर आप प्लानर देखोगे तो यहाँ पर लाइकेंस एंड माइकोराइजा का नाम दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी लाइकेंस टॉपिक किसका होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो लाइकेंस एंड माइकोराइजा वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन विच चैप्टर बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल एंड देन विल प्रोसीड विद द अनदर ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइटा। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, तो वी नो दैट मैंने आपको बच्चों प्लांट ग्रुप में दो बॉडी का नाम बताया था, और बताया था कि पूरे प्लांट ग्रुप में आपको ये दो वर्ड सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, वन वॉज द गैमेटोफाइट एंड द अदर वॉज द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो गैमेट बनाने में इस्तेमाल होती है, स्पोरोफाइट वो हिस्सा होता है जो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। हर ग्रुप में आपको ये जानना है कि कौन डोमिनेंट है और कौन किस पे डिपेंडेंट है। जैसे हम अपने मम्मी पापा पर, अभी जैसे आपका जो चल रहा है यू नॉट अर्निंग, दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट। डोमिनेंट कौन है? आपके पेरेंट्स है। गेटिंग माई पॉइंट? एक फेज ऐसा आता है कि आप उनकी देखभाल करते हो, आप उनका ख्याल रखते हो, तो यू टेक ओवर एवरीथिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर भी हम बात करते हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप में डिफरेंट मैकेनिज्म है। जैसे एल्गी में हमने बात किया था कि गैमेटोफाइट मेन था, गैमेटोफाइट डोमिनेंट था। डोमिनेंट कहने का क्या मतलब होता है बच्चों? ये भी बताया था कि अगर मैं किसी प्लांट बॉडी को डोमिनेंट बोल रही हूं तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सारा का सारा वर्क जो प्लांट को चाहिए, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए हो, दैट इज एवरीथिंग विल बी परफॉर्म्ड बाय द डोमिनेंट बॉडी पार्ट। एल्गी में वो डोमिनेंट बॉडी पार्ट कौन है? गैमेटोफाइट। ठीक है, और एक चीज आपको बताई थी, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट को आपने याद रखना है डिप्लॉइड। क्लियर है? ओके, सो यस, बात करते हैं बच्चों लाइफ साइकिल की। तो अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है दैट मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल होती है बच्चों? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब एक चीज सुन लो कि कब हम एक लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। जब हम लाइफ साइकिल देखेंगे, अभी आप बनाएंगे बच्चों, तो आप देखना ज्यादातर हैप्लॉइड फेज रहता है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में। तो ऐसी लाइफ साइकिल तुम्हारी क्या बन जाती है? हैप्लॉइड। जैसे हम क्या है, हमारे सारा का सारा सेल क्या है बच्चों? डिप्लॉयड है। मेजॉरिटी आपको क्या दिखेगा जब आप अपनी लाइफ साइकिल बनाओगे? सिर्फ गैमीट्स ही बनेंगे आपको, जो स्पर्म और ओवा तुम बनाओगे वो तुम हैप्लॉइड लिखोगे, नहीं तो मेजॉरिटी किस में रहेगा? डिप्लॉयड में, है ना। सिमिलरली एल्गी में क्या होता है, मेजॉरिटी सेक्शन लाइज इन विच पार्ट? हैप्लॉइड पार्ट। तो लाइफ साइकिल कैसे बन जाती है? हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक। जैसे स्टार्ट करेंगे हमेशा जब हम लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं बच्चों,
तो हमेशा स्टार्ट कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, जो मेन हो। तो कहानी यहां पर स्टार्ट होगी, कौन मेन होता है, गैमेटोफाइट। मैंने लिख दिया गैमेटोफाइट। जब जब तुम लाइफ साइकिल में ये पार्ट्स लिखोगे, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जायगोट, स्पोर, व्हाटएवर यू आर राइटिंग, आप ब्रैकेट में जरूर उसकी प्लॉयडी लिखना। तो गैमेटोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉयड बॉडी। अब एक हैप्लॉयड बॉडी जब गैमेट बनाएगी तो कौन सा सेल डिवीजन इस्तेमाल करेगी? बच्चों सेल साइकिल हमने पूरा पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था रफ्तार में, है ना। अगर ये मियोसिस कर सकते हैं, आप खुद सोचो, हैप्लॉयड सेल मियोसिस में तो जाते नहीं, तो तुम सोच रहे होगे कि यार फिर ये गैमेट कैसे बनाए अगर मियोसिस नहीं कर सकते। गैमेट हमेशा मियोसिस से बने, ये किसने कहा है? अगर किसी प्लांट की बॉडी हैप्लॉयड है तो वो मियोसिस नहीं करेगी, तब वो गैमेट किससे थ्रू बनाएगी? माइटोसिस के थ्रू। तो ये माइटोसिस करेंगे, कौन से डिवीजन में जाएंगे बच्चों? दे विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी पूरा कुछ नहीं लिखती बच्चों, इन्होंने डैश 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 करके लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दोगे, बट आप पूरा करना तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमने यहां पर देखा कि गैमेटोफाइट ने माइटोसिस करके गैमेट्स बना लिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट? इनमें होगा फ्यूजन। क्या होगा बच्चों? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट मींस फर्टिलाइजेशन, या आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सिंगैमी। क्या कहोगे? सिंगैमी, ठीक है। और उसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? उसका रिजल्टेंट होगा जायगोट। जायगोट कैसा बॉडी होगा? डिप्लॉयड बॉडी, क्योंकि आपको पता है जायगोट दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्पोरोफिटिक बॉडी डिप्लॉयड होती है, तो यहां पर डिप्लॉयड कौन है? जायगोट। तो ये जो जायगोट बन रहा है ना इनके लाइफ साइकिल में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब डिप्लॉयड जनरेशन। एकमात्र जो स्पोरोफिटिक सेल बनी है, एकमात्र जो स्पोरोफिटिक जनरेशन बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ जायगोट है। कोई और डिप्लॉयड सेल आपको इनकी लाइफ साइकिल में नहीं दिखाई देता, ठीक है। इसीलिए डिप्लॉयड का जो डोमिनेंस है, जो वो है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत कम है। इसीलिए ऐसी लाइफ साइकिल का ज्यादातर आपको ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों? हैप्लॉयड। इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल क्या बन जाती है? हैप्लॉन्टिक। अब एक चीज सोचो बच्चों, इनकी मेन बॉडी तो एन है, बन गया है जायगोट, अब क्या करें यार? होना चाहिए था हैप्लॉयड, बन चुका है डिप्लॉयड, तो हम दोबारा से साइकिल का मतलब क्या है? कंप्लीट करना। कैसे करें कंप्लीट? इनमें क्या करा दो? इनमें करा दो मियोसिस, ठीक है। और जैसे ही तुम मियोसिस करोगे, हैप्लॉयड से क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। जब मियोसिस जायगोट में होती है तो ऐसी मियोसिस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी मियोसिस को जायगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना बच्चों, जहां जहां पर जायगोटिक मियोसिस होगा, लाइफ साइकिल तुम्हारी हैप्लॉन्टिक ही होती है। फंजाई का देख लो, फंजाई में भी जायगोटिक मियोसिस हुआ था, तभी वहां पर मेन बॉडी हैप्लॉयड आई थी, और ऐसी साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल यहां पर भी वही देख रहे हो, ठीक है। तो आप अगर इसको सेपरेट करोगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा हैप्लॉयड जनरेशन है, और ये हिस्सा जायगोट वाला डिप्लॉयड जनरेशन है। हैप्लॉयड जनरेशन दो दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा कौन है? हैप्लॉयड, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बट बच्चों इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। हमने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, पर्टिकुलरली ग्रीन एल्गी जो होती है ना, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलती है। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे एक एल्गी है फ्यूकस और सार्गासम। ये कैसे एल्गी होते हैं बच्चों? ये ब्राउन एल्गी हैं, और ये दोनों क्या शो करते हैं?
ये दोनों शो करते हैं डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, मतलब यहाँ पर डिप्लॉयड जनरेशन ज्यादा मात्रा में होता है। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है, कैसे याद रखोगे बच्चों, केल्प से याद रखना। केल्प एक जायंट एल्गी होता है ना, ब्राउन एल्गी का सबसे बड़ा जायंट एल्गी है, बहुत बड़े, कुछ मीटर्स तक ग्रो कर सकता है, 100 मीटर एनसीईआरटी लिखती है ना। तो केल्प से याद रखना, के फॉर केल्प, ई फॉर एक्टोकार्पस, ये भी ब्राउन एल्गी है, एल फॉर लेमिनेरिया, ये भी ब्राउन एल्गी है, पी फॉर पॉलीसाइफोनिया, ये रेड एल्गी है। इनमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड लगभग लगभग सेम प्रपोर्शन में है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। तो ये दूसरा एक्सेप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या इसकी भी लाइफ साइकिल पढ़ाओगे विद रिस्पेक्ट टू एल्गी? नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि आप फ्यूकस और सार्गासम की डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पढ़ो और आप इन चारों की हैप्लोंटिक हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पढ़ो। बट यस, डिप्लोंटिक का मतलब क्या है, हैप्लो डिप्लोंटिक का मतलब क्या है, जब आगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहां पता चल जाएगा। बट यहां पर आपको सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना है, आपको हर एक की लाइफ साइकिल याद नहीं रखना है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। जो सिलेबस में है, दिस इज दिस लाइफ साइकिल विच वी हैव ऑलरेडी टेकन। अच्छा, एनसीईआरटी के जो लाइफ साइकिल्स के डायग्राम है ना, उससे क्वेश्चन क्या करते हैं, वो डब्बे में से लेबलिंग्स हटा देते हैं और आपको लेबलिंग्स मार्क करनी पड़ती है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेबलिंग्स देखनी पड़ेंगी। तो सिर्फ एनसीईआरटी का डायग्राम यहां बैठा लेना। ओके, सो वी आर डन विद द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। वी हैव टेकिंग द एक्सेप्शन एज वेल विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी का लास्ट वाला पन्ना, समरी से पहले। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे बच्चों, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट, दैट इज द ब्रायोफाइट्स। नाइन्थ क्लास से पढ़ना तो शुरू कर ही दिया था बच्चों। ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ये तो नाइन्थ क्लास के बच्चे ही बता देते हैं बच्चों की ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑन प्लांट किंगडम, इनका जो इवोल्यूशन का एरा है वो सेम है। जिस टाइम पर आप शायद पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो शायद इवोल्यूशन 12th में पढ़ोगे तो आप देखोगे इनका जो एरा है लगभग लगभग सेम है। तो इस चीज को रिलेट करते हुए ये नाम भी दिया गया। और जो एक वजह है, एम्फी का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्फी का मतलब बोथ। बोथ का मतलब कैसे, एम्फीबियंस होते हैं ना फ्रॉग, आप देखो फ्रॉग आपको ऐसे घूमते फिरते लैंड पे भी दिखाई दे जाएंगे, बट वो आपको पानी में भी जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि बिना पानी के वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। फ्रॉग वगैरह फर्टिलाइजेशन वगैरह बिना पानी के नहीं हो सकती, इसलिए आपको मेंढक पानी में भी दिखाई देता है। That is the essential requirement of their life cycle, है ना? Same goes with the bryophytes. आपको bryophytes terrestrial habitat में दिख जाएंगे, but इनका reproduction बिना पानी के अधूरा है, नहीं करा सकते reproduction, नहीं होगी fertilization in the absence of water. That means इनको पानी और land दोनों चाहिए. To relate this, they are called as amphibians of प्लांट किंगडम, ठीक है बच्चों? तो रीजन हमने देख लिया है। अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी में हमने बोला था कि कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है ना, इसीलिए उनको बोला था नॉन एम्ब्रियोफाइटा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उन सब में एम्ब्रियो बनता है, चाहे एनिमल्स का पढ़ोगे आप 12th class में लिखा हुआ है, चाहे प्लांट्स। एल्गी इज द एक्सेप्शन जहां पर जायगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता है। बाकी अब जितने भी तुम प्लांट किंगडम्स के ग्रुप पढ़ोगे, चाहे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, हर जगह तुम्हें एम्ब्रियो दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो फर्स्ट कौन आता है इसको सब हमेशा याद रखते हैं, पहली बार मून पे कौन गया, स्पेस पे कौन गया, ये सबको बातें याद रहती है। सेकेंड थर्ड को नहीं इतना याद रखते, जबकि अगर जीके की बुक पढ़ोगे डेफिनेटली सेकेंड थर्ड फोर्थ के बारे में भी दिया रहेगा, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है, आगे तो सबके पास एम्ब्रियो है, बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला एम्ब्रियो किसमें दिखाई दिया था, तो व्हाट यू विल से, इट वाज द ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स, दे वर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। क्या थे ये? दे वर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट।
एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट। इनके पास भी बच्चों कोई ट्रेकीट्स वेसल जाइलम वगैरह नहीं थे कंडक्शन के लिए, दैट मीन्स देवर ऑल्सो नॉन वैस्क्युलर। ये कैसे थे? नॉन वैस्क्युलर प्लांट्स थे, नॉन वैस्कुलर एम्फीबियन प्लांट्स कह सकते हो, या क्योंकि एम्फीबियंस मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, लैंड प्लस वाटर दोनों जगह दिखाई देंगे। लैंड कहने का मतलब क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल में दिख सकते हैं, है ना, जबकि एल्गी में हमने मेजरली पढ़ा था कि पानी एक्वेटिक पोर्शन चाहिए उसको। तो ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, बट ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वैस्कुलर है या नॉन वैस्कुलर, तो यू विल से नॉन वैस्कुलर। तो इट इज द नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देयरफॉर इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी ए ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है, दैट मींस इनके पास ट्रैकियरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अच्छा, इनके पास ट्रैकियरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो फिर ये अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते होंगे? एल्गी के पास नहीं था तो वो तो चलो पानी में ही मिलते थे, काई जमती कहाँ है, पानी भर भर के होता है, जमा हो जाता है, वहां फिसलन हो जाती है, काई जम जाता है। इनके साथ कैसे करेंगे पानी की अपनी कमी को पूरा, क्योंकि तो हम बोले टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। तो कुछ बच्चे सोचेंगे मैम कोई बात नहीं, टेरेस्ट्रियल में तो मिलते ही हैं, बट आपने लिखा भी तो है पानी में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ना भर भर के पानी नहीं चाहिए जितना एल्गी को चाहिए। इनके लिए पतली सी भी लेयर पानी की सफिशियंट है ग्रो करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, मॉइस्ट कंडीशन है, तो वहां पर ब्रायोफाइट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। और प्रोमिनेंटली आपको पता है कहाँ दिखाई देगा? जहां पर झरना होता है ना, वाटरफॉल, वाटरफॉल का जब पानी आकर के जिस चट्टान पर गिर रहा है फिर जा रहा है, चट्टान पर गिर रहा है फिर जा रहा है, तो पर्टिकुलरली वहां पर आसपास जो पतली सी फिल्म लेयर ऑफ वाटर बन रही है ना, वहां पर आपको अच्छा खासा ब्रायोफाइट नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये कहां पर मिलते हैं? अगर मैं इनकी हैबिटेट की बात करूं, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट, ठीक है, डैम्प का मतलब वही बच्चों, हल्का सा देखते हो ना जब बारिश का टाइम होता है सीलन आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो डैम्प सॉर्ट ऑफ एरिया जो क्रिएट हो जाता है। मतलब डैम्प वहीं जहां पर पानी हो, थोड़ा सा ह्यूमिड हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो, मॉइस्ट डैम्प और शेडी एरियाज। क्योंकि बच्चों अगर ये बहुत ज्यादा धूप वाले में मिलेंगे, तो धूप आपको पता है ना, वो ग्लूकॉन डी का एड नहीं देखा अभी, आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगा, गर्मी बहुत हो गई है, तो आपने देखा है ना सूरज भगवान यहाँ से स्ट्रॉ लगा लेते हैं और अपना पूरा हमारा शरीर का पानी चूस लेते हैं, है ना। तो अगर हम धूप में निकलते हैं तो जिस तरीके से हमारा पानी सूरज भगवान निकाल लेता है, निचोड़ लेता है, तो हमें क्या लगती है? फिर प्यास लगती है, हम तो पानी पी लेंगे भैया, हम तो बहुत एडवांस है, वाटर बॉटल रखते हैं, उठा करके पी लेंगे, ग्लूकॉन डी पी लेंगे, कुछ भी पी सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या करेंगे यार, ये थोड़ी हमारे जितने एडवांस है। तो ये अपनी कंडीशन कैसी बना ली है कि ये सनी एरियाज में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सनी एरियाज में मिलेंगे प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, इनके पास तो कोई नलका है नहीं पानी जो इनको देगा, तो ये अपने आप को शेडी एरिया में ही रखते हैं। शेडी एरिया में रखेंगे प्यास कम लगेगी, ठीक है, प्यास कम लगेगी तो इनके लिए बेहतर है, क्योंकि इनके पास प्यास बुझाने के लिए ट्रैकरी एलिमेंट्स नहीं है इतने, ठीक है। तो शेडी एरियाज में मिलते हैं, और जो प्लांट शेड में मिलता है बच्चों, ये क्लास 12th में ही पढ़ोगे, प्लांट प्रेजेंट इन शेड They are known as Sheophytes, ठीक है। Sheophytes को हम शेड लविंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इनको क्या पसंद है? धूप की शेड, तो इनको शेड पसंद है, दे आर शेड लविंग प्लांट्स। और रीजन वेल नोन है कि इनको शेड क्यों पसंद है, क्योंकि ये अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को धूप में रहकर के पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल, इतने आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखाई देंगे इनके, दे आर स्मॉल प्लांट्स, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है बच्चों। मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब स्पेशली बात करूंगी ना कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो आई विल शो यू, तो आप देखना आपको इतने बड़े बड़े आम नीम के पेड़ के जितने नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है। If I talk about the plant body of bryophytes,
तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना, द मेन प्लांट बॉडी आई शुड राइट, द मेन प्लांट बॉडी कह लो या डोमिनेंट प्लांट बॉडी कह लो, द डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यहां पर कौन होता है बच्चों डोमिनेंट प्लांट बॉडी, दैट इज गैमेटोफाइट, दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है, ये डोमिनेंट बॉडी है। गैमेटोफाइट यहां पर कैसा होता है बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। अगर मैं यहां पर गैमेटोफाइट को डोमिनेंट बोल रही हूं, दैट मींस जो दूसरा प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है, स्पोरोफाइट, दैट मींस वो इन पे डिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा ऐसे पॉइंट लिख रही हूं कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मिलेगा इसी के ऊपर एज अ पैरासाइट। क्यों इसको पैरासाइट क्यों, स्पोरोफाइट को पैरासाइट क्यों बोला जा रहा है, पैरासाइट क्या करते हैं बच्चों, होस्ट का, जहां पर वो रह रहे हैं उन्हीं का, उन्हीं के जगह पर रहते हैं, शेल्टर भी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं और खाना पीना भी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्पोरोफाइट भी इन्हीं का नरिशमेंट इस्तेमाल करेगा, इनसे ही न्यूट्रिशन लेगा और इनके ही घर पर टिका हुआ है, तो इनको अभी पैरासाइट बोला जा रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। और क्या जानते हो आप, ठीक है, ये सब तो हमने जनरल बातें की। जैसे हमने वहां पर बोला था कि इनकी बॉडी कैसी होती है, एल्गी की बॉडी कैसी होती है बच्चों, थैलॉयड, थैलॉयड का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। तो यहां पर भी यू विल सी, यहां पर भी यू विल सी कि जो बॉडी है द मेन बॉडी गैमेटोफाइट वो कैसी होगी बच्चों, हैप्लॉयड, ठीक है, सॉरी थैलॉयड। तो यहां पर लिख लेना कि जो बॉडी है दैट इज थैलॉयड, थैलॉयड का मतलब पहले ही बता चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कराते हैं, दैट द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू, इंटू किस चीज में, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, इनके पास ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं होता है। मैंने आपको बच्चों ये भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है कि चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, दे शुड बी डिप्लॉयड प्लस दे शुड हैव वैस्कुलर टिश्यू। अब आप मुझे खुद बताओ क्या इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है, नहीं है, तो ये कंडीशन खत्म हो गई ब्रायोफाइट्स के लिए। और इनकी मेन बॉडी क्या है, इनकी मेन बॉडी हैप्लॉयड है, होना क्या चाहिए था ट्रू होने के लिए, डिप्लॉयड, तो ना ही डिप्लॉयड है ना ही इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है रूट स्टेम लीफ में, इसीलिए इनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं बोला जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनको बोला जाता है दैट बॉडी हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम भी दिया जाता है बच्चों, दैट इज रॉयजॉइड्स। मैंने आपको एल्गी में ही बताया था बच्चों, सिंस दे आर नॉट ट्रू रूट, ठीक है, सिंस दे आर नॉट ट्रू रूट, इन सब की प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड, ठीक है। जैसे यार आप बहुत सारे बच्चे ना रिलेट नहीं करते, जैसे हम एक आम का पेड़ देख रहे हैं तो हमें उसमें उस आम के पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है, हम उसकी जड़ दिखाई दे रही है, हमें उसकी स्टेम दिखाई दे रही है और हमें उसकी लीफ दिखाई दे रही है। तो ये जो आम के पेड़ है कैसे पेड़ है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, मतलब जो तुम्हें रूट स्टेम लीफ दिखाई दे रहा है ना वो वहां पर स्पोरोफाइट है, दैट मींस वो सारे के सारे क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। यहां पर अगर आप कभी गैमेटोफाइट्स देखोगे, जैसे आप क्या देखोगे मैं आपको दिखा देती हूं, क्योंकि ये है गैमेटोफाइट,
ये देखो कितने छोटे छोटे, आप ये कभी घूमने जाओगे ना तो दिख जाते हैं अगर ध्यान से देखोगे पहाड़ वगैरह पे आसपास, ठीक है, नहीं तो जनरली ऐसे दिख जाते। ये देखो ये है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए इनकी बॉडी को थैलॉइड बोलते हैं। और जो आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पेड़ पौधा जो भी आप समझो, पौधा समझ लो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको जो आपको दिखाई दे रहा है इस केस में, उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक सेकेंड, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना इसको क्या बोलोगे, दिस इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी। क्यों? क्योंकि यहां पर गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट है। ये भी जो आपको, ये भी क्या है, ब्रायोफाइट ही है। तो ये आपको जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ इसकी नीचे सॉइल में है, जड़ जैसा स्ट्रक्चर। तो ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है गैमेटोफाइट है, ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, तो इसीलिए दिखाई भी जो आप आंखों से देख पा रहे हो, जिसमें रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है, वो सारा का सारा गैमेटोफाइट है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ लिया। नेक्स्ट, ट्रू का भी मतलब समझ लिया। ओके, एक चीज और, जब आपको अभी राइजॉइड्स पढ़ाऊंगी लिवर वॉर्ट्स और मॉस में, तो आप देखना कि राइजॉइड्स इट कैन बी यूनिसेलुलर, मे बी यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल एक लिवर वॉर्ट्स होता है रिशिया, और इट कैन बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर किस में होता है बच्चों, मॉस में, याद रखना, एम फॉर मॉस, एम फॉर मल्टीसेलुलर। फिनेरी का पढ़ाऊंगे, अभी पढ़ोगे तो वहां पर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई बच्चों, रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज राइजॉइड्स। ओके, जब हम एक पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रायोफाइट्स की, तो हम बोल रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, और हमें पता है गैमेटोफाइट का काम होता है गैमीट्स बनाना, तो क्यों ना हम ये डिस्कस कर लें कि गैमीट्स बनते कैसे। जब हम गैमीट्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेल एंड द फीमेल, है ना, तो आओ चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। हम बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, लोअर क्लासेस में ना बच्चों, जो सेक्स ऑर्गन है इट कैन प्ले द रोल ऑफ गैमेटोफाइट, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, मॉर्फोलॉजी जब पढ़ा है आपने फ्लावरिंग प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, तो वहां पर मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम था और मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन था। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे हम थोड़ा स्पेसिफिक होते चलेंगे, ये तो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, इनके पास ले दे करके है क्या ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो इन लोअर केस में इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अगर मैं गैमेटोफाइट या सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होता है या गैमेटोफाइट होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। देखो यहां पर भी लिखा हुआ था कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो कैसा होता है, मल्टीसेलुलर प्लस इट इज जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब क्या है, जैकेट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। मैं क्यों बता रही हूं बच्चों, क्योंकि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, वो एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर, क्योंकि सबसे सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ना, और इनके पास कोई जैकेट्स नहीं होती, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए उनको नॉन जैकेटेड बोला जाता है। गैमेटोफाइट्स यूनिसेलुलर, जैकेटेड कहां से शुरू होंगे, ब्रायोफाइट से। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसका एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कि एक ऐसा एल्गी है जिसको कारा बोलते हैं, कारा इज अ ग्रीन एल्गी, क्लास 12th में पढ़ोगे, उनका जो होता है ना, मैं लिख देती हूं, कारा इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कारा। कारा एडवांस्ड ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी ही, दिस इज द ग्रीन एल्गी, बट इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है एंड जैकेटेड होता है। ये क्लास 12th में पढ़ोगे पहले चैप्टर में, ठीक है, क्लास 12th में पढ़ोगे, जो पढ़ोगे तो पहले चैप्टर में ही पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना ही जान लो। अब जिन बच्चों को लग रहा होगा कि जैकेट्स वगैरह का क्या मतलब है, तो उनको यहां से पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की। यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन का या मेल गैमेटोफाइट का नाम होता है बच्चों,
उसका नाम होता है एंथ्रीडियम। क्या नाम होता है? एंथ्रीडियम। अगर एंथ्रीडियम एक गेमिटोफाइट का नाम है तो हमें पता है गेमिटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड। तो एंथ्रीडियम की प्लॉइडी भी क्या होगी? हैप्लॉइड। रटना नहीं है, समझना है। एंथ्रीडियम का शेप अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा होता है? क्लब शेप्ड। और जैसे रैकेट नहीं होता, बैडमिंटन का रैकेट कह लो या टेनिस टेबल का छोटा सा वाला रैकेट नहीं होता, उसका शेप होता है, उसकी तरह इनका शेप होता है, इस तरीके से, इस तरीके का इनका शेप होता है। दिस इज द शेप ऑफ एंथ्रीडियम, जिसको हम मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था कि ये कैसे होते हैं? जैकेटेड। तो इनके अराउंड ये लेयर देखो बनी होती है, दिस इज द जैकेट सेल्स। ये क्या है बच्चों? ये है जैकेट सेल्स। इसीलिए एंथ्रीडियम को क्या बोला गया है? जैकेटेड। और जैकेट क्या कर रही है? जैकेट सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगी? ये प्रोवाइड करेंगी इनको प्रोटेक्शन। ठीक है, इस तरीके की जैकेट्स एल्गी में नहीं होती है। साथ ही साथ हमने क्या बोला? साथ ही साथ हमने बोला कि दे आर व्हाट? दे आर मल्टी सेलुलर। दैट मीन्स एंथ्रीडियम एक सेल का नहीं बना हुआ है, एंथ्रीडियम बहुत सारे सेल का बना हुआ है। ये देखो, अभी बताऊंगी, एक सेकेंड ड्रॉ कर ले। ये देखो, यू कैन सी, ये जो डब्बे बन रहे हैं ना, ये डब्बे ये दिखा रहे हैं कि अंदर कितने सारे सेल्स हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and so on. तो यू कैन सी कि अंदर कितने सारे सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स आर देयर। इसीलिए एंथ्रीडियम को क्या बोला गया है? मल्टी सेल्यूलर मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो अंदर बनाए हैं ना, मैं अगर एक डब्बे की बात करूं सिर्फ, तो इसको बोला जाता है एंथ्रोजॉइड मदर सेल। एंथ्रोजॉइड मदर सेल। अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ ना इसकी प्लॉइडी क्या है, तो बच्चे कहते हैं मदर सेल है, डिप्लॉइड होगी। क्यों बच्चों, क्यों होगी डिप्लॉइड? हमेशा रटना है, ये किसका सेल है? ये एंथ्रीडियम का सेल है। एंथ्रीडियम क्या है? हैप्लॉइड है। तो मदर सेल भी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और वन एंथ्रोजॉइड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल जब डिवाइड करती है तो बनाता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। क्या बनता है? बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ये क्या है? ये मेल गेमीट है। क्या है बच्चों? मेल गेमीट है। तो आप देखो, गेमिटोफाइट का काम क्या था? मेल गेमिटोफाइट का, मेल गेमीट बनाना। ये जो मेल गेमीट बना है उसका नाम एंथ्रोजॉइड है। और इसके पास कितना फ्लैजिला है? दिस हैज टू फ्लैजिला। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया बच्चों बाय फ्लैजिलेटेड। ठीक है, क्या नाम दिया गया? बाई फ्लैजिलेट। क्लियर हो गया? तो हमने किसके बारे में बात कर ली बच्चों? हमने बात कर ली है कि मेल गेमिटोफाइट कैसा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फीमेल गेमिटोफाइट कैसी होती है। फीमेल गेमिटोफाइट का जो नाम है बच्चों, दैट इज आर्किगोनियम। क्या नाम है? आर्किगोनियम। जो आर्किगोनियम होता है वो, उसका शेप कैसा होता है बच्चों? फ्लास्क शेप। कैसा होता है? फ्लास्क शेप। केमिस्ट्री लैब में आप देखते हो ना फ्लास्क, इस तरीके का शेप आर्किगोनियम का होता है। ये इसकी गर्दन, इसको बोलते हैं नेक। और ये जो नीचे बल्बस स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है वेंटर। ठीक है, इस नेक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 से 10 ही बनाना बस बच्चों, 6 से 10 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। जनरली ब्रायोफाइट्स में जो आर्किगोनिया होती है उसमें 6 से 10 एनसीसीज होते हैं। एनसीसी क्या बोलते हैं? नेक कैनाल सेल। इसके वेंटर में नीचे एक होता है वेंटर कैनाल सेल। क्या होता है बच्चों? वेंटर कैनाल सेल, जिसको क्या बोला जाता है? वीसीसी। और सबसे नीचे व्हाट यू विल सी? यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ एग।
एग का दूसरा नाम ऊस फेयर होता है, ठीक है। अगर एग है तो प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, और एग यहां पर क्या है बच्चों, फीमेल गैमी। तो आप देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट का काम क्या है, गैमीट बनाना, गैमीट बियर करना। तो ये देखो ये क्या रखा है, फीमेल गैमीट। इसके ऊपर के तरफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, ये जो फ्लास्क है ना, एक सेकेंड, यस थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, हाँ। इसके ऊपर के तरफ यू विल गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ कवर सेल, मतलब फ्लास्क खुला नहीं पड़ा, उसको कवर किया गया है, उसको बोल रहे हैं कवर सेल। अब फ्लास्क को बच्चों 3D में इमेजिन करो, तो कवर करने के लिए आपको कितने कवर सेल लगेंगे बच्चों, चार। अब आप सोचोगे मैम डायग्राम में तो दो ही दिखाई दे रहा है, बच्चों 2D डायग्राम है, दो पीछे भी तो होगा, तो टोटल कितने कवर सेल्स होते हैं बच्चों, चार कवर सेल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों मेल गैमेटोफाइट का देख लिया कि इन्होंने गैमीट्स बना लिए, मेल गैमेटोफाइट ने मेल, फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमीट। ओके, सो गैमीट्स तो बन गया बच्चों, बट गैमीट्स का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म थोड़ी करता है, गैमीट्स का फ्यूजन होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। तो फ्यूजन कैसे होगा यार, देखो फीमेल जो गैमीट है ना वो कैसी है, नॉन मोटाइल है, कैसी है, नॉन मोटाइल है बच्चों। और जो मेल गैमीट है आप देख सकते हो फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मोटाइल होगा। तो जो मोटाइल है वो किसको अप्रोच करेगा, नॉन मोटाइल को। तो यहां पर मेल किसके पास जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। कैसे जाएगा, देखो अगर फ्लैजिला है, अगर मोटिलिटी है, तो बच्चों चलने के लिए पानी चाहिए होगा, इसीलिए शुरुआत में बोला था कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधूरा है बिना पानी के। देखो पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है ना इस गैमीट्स को चलाने के लिए, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला गया है, क्योंकि लैंड पे तो रह सकते हैं बट फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट लगती है। तो कैसे होगा यार, चलो मेल फीमेल के पास चला जाए, दुनिया का दस्तूर है, चलो चला जाएगा, लेकिन कैसे यार, उसको कोई ना कोई सिग्नल तो मिलना चाहिए ना, फीमेल गैमीट्स कहां पर है, फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर है। तो होता क्या है, जैसे ही ये मैच्योर कर जाते हैं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दैट मींस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ब्रीफ में बता रहे बच्चों, एनसीईआरटी कुछ लिखती नहीं है इसलिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चारों के चारों कवर सेल खुल जाते हैं, कवर सेल ओपन्स अप, क्योंकि ये जो सेल्स है ना बच्चों, बस सुन लो लिखना नहीं, ये जो सेल्स है ना, ये जो नेक कैनाल सेल्स हमने बनाए हैं, जिनका नंबर 6 से 10 ही हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ, ठीक है, 6 से 10 हो सकता है, इनको नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद प्रेशर की वजह से कवर सेल्स क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। अब सीधा सा मोटा मोटा याद रखना कि जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इनका ये जो दरवाजा बंद है ये दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे एनसीसीज और बीसीसी डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगा इनका पिक्चर, इनका पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एनसीसीज डीजनरेट कर चुके हैं और बीसीसीज भी डीजनरेट कर चुके हैं और कवर सेल खुल गया है, नीचे बैठा हुआ है, बैठी हुई है एग, दैट इज फीमेल गैमीट। अब ये तो चल सकती नहीं, क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि ये तो नॉन मोटाइल है। तो होता क्या है, ये जो टिप ऑफ द नेक है, टिप ऑफ द नेक, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, टिप ऑफ द नेक रिलीजेस केमिकल, कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं बच्चों, सुक्रोज एंड पोटेशियम, क्या करने के लिए, टू अट्रैक्ट मेल गैमीट। तो मेल गैमीट क्या करता है बच्चों, मेल गैमीट कैसा है ये देखो, मेल गैमीट हमारा बाईफ्लैजिलेटेड है, इसको मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, ये देखो ये है हमारा बाईफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज टू फ्लैजिला ऑफ मेल गैमीट्स, इसलिए इसको बोला जा रहा है बाईफ्लैजिलेटेड एंथरोजॉइड। तो ये जो एंथरोजॉइड है इसको सिग्नल मिल चुका, किसने सिग्नल दिया है, नेक ने, क्या रिलीज करके, सुक्रोज एंड पोटेशियम आयन को रिलीज करके। तो
तो ये बड़े मजे में अब बिंदास कहां जाएगा? फ्लास्क के अंदर, ठीक है? इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स केमिकल, लिख देती हूं, है ना? और किसको अप्रोच कर रहा है? फ्लास्क को, क्योंकि फ्लास्क में अंदर कौन बैठा है? एग, ठीक है? अब इस तरह ये क्या कर रहा है बच्चों? ये चल रहा है किसके इन्फ्लुएंस में आकर के चला? केमिकल के इन्फ्लुएंस में आकर के चला। इस तरीके के चलने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कीमोटैक्सिस। मैंने आपको तीन वर्ड पहले भी बता रखा है, एक बता रखा है ट्रॉफिक, एक बताया है टैक्सिस और एक बताया है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉपिक, सॉरी ट्रॉफिक का मतलब होता है, सॉरी बच्चों, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक वर्ड आ जाए दैट मींस न्यूट्रिशन। फिर हमने जब पीजीआर पढ़ा था तब हमने बोला था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, रूट्स का कैसा होता है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक वर्ड किसके लिए होता है बच्चों? कर्वेचर मूवमेंट्स के लिए। लाइट की तरफ कर्व कर जाए तो फोटोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ कर जाए तो जियोट्रॉपिक, मतलब अपनी जगह पर है, लोकेशन नहीं बदल रही, ठीक है? बट टैक्सिस में क्या हो रहा है? पूरी की पूरी लोकोमोशन हो रही है, ठीक है? अगर वो टैक्सिस केमिकल की वजह से हो रहा है, अगर वो चलना फिरना केमिकल के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो ऐसे चलने फिरने को हम क्या बोलते हैं? कीमो टैक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? कीमोटैक्सिस। तो यहां पर याद रखना कीमोटैक्सिस है। और ये तभी चलेगा, ये तभी चलेगा, मेल रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अगर पानी ना हो तो फ्लैजिला किस काम का? फ्लैजिला को चलने के लिए पानी चाहिए ना, तो और ये सब किस प्रोसेस के लिए हो रहा? फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर इस प्रोसेस को, इस रिक्वायरमेंट को क्या बोला जाता है? ज़ूइडोगैमी। जहां जहां पे भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और पानी कहां कहां पर लगेगा? जहां पर गैमीट्स मोटाइल होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम ज़ूइडोगैमी बोलते हैं। तो याद रखना फर्टिलाइजेशन के दौरान ज़ूइडोगैमी भी चल रही है, कीमोटैक्सिस भी चल रही है, ये दोनों इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब ये सब हो गया, मेल अंदर आ गया, तो मेल इसके साथ क्या करेगा? मेल इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है? तो फ्यूजन के बाद क्या होगा बच्चों? फ्यूजन के बाद इसी गैमेटोफाइट के अंदर, सब कुछ देखो गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। मेल और फीमेल फ्यूज कर लेते हैं, मेल मतलब बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड, बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड एंड फीमेल गैमीट दैट इज एग फ्यूजेस टू फॉर्म, फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बना लिया इन्होंने? डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है? यहां पर अभी कहानी रुक गई। कहां से शुरू किया था? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट के बाद कहानी कहां तक पहुंच चुकी है? जाइगोट तक। अच्छा एक चीज और, एक चीज हमने मिस की है बच्चों। यहां पर तो हमने दिखा दिया कि ये जैकेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने बोला ना कि सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, बोला था ना यहां? तो यहां पर हमने दिखा दिया, यहां पर दिखाना भी रह गया है, तो आप यहां पर भी जैकेट्स की सेल बना लेना, यहां पर भी आप जैकेट्स की सेल बना लेना, ठीक है? ये दिखाने के लिए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होती हैं? जैकेटेड होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? जैकेटेड। नेक के अराउंड एक जैकेट, यहां पर यू कैन सी देयर इज वन मोर लेयर ऑफ जैकेट, ठीक है? ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कराया? मैच्योरिटी के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया जायगॉट। हमने पढ़ा था एल्गी में कि जायगॉट जैसे ही बनता है, जायगॉट किस में चला जाता है? मियोसिस में। मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जायगॉट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमिडिएटली। तुरंत से रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा ये। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है बच्चों? मियोसिस। ये एनसीईआरटी लाइन है। अच्छा, तुरंत से रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा तो मतलब क्या करेगा? हमने बोला था ना बच्चों शुरू में कि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो दिखता है,
तो जायगोट पहले माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद ये एम्ब्रियो बनाता है। सबसे पहली बार एम्ब्रियो लाइफ साइकिल में इनमें ही देखा गया था, इसीलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं। अगर ये डिप्लॉयड है, माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? डिप्लॉयड। अब एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है, ये भी माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद ये कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या डोमिनेंट बॉडी है? नहीं, ये पैरासाइट की तरफ से रहती है। किसके ऊपर? डोमिनेंट बॉडी के ऊपर, जो हमारी कौन है? गैमेटोफाइट है। अब स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स के केस में इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं बच्चों? एक है फूट, एक है सीटा और एक है कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल। अगर स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉयड है तो ये इसके तीनों पार्ट कैसे होंगे बच्चों? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। मैंने शुरू में ही बता दिया था स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स बनाना। तो क्या तीनों पार्ट स्पोर्स बनाने में इन्वॉल्व है? नहीं बच्चों, सिर्फ कैप्स्यूल इन्वॉल्व होता है। कैप्स्यूल जैसे मान लो इस तरीके का होता है इनका बॉडी। ये देखो, ये स्पोरोफाइट बना रही हूं, इस तरीके का इनका होता है, ये कैप्स्यूल है, ठीक है, जो कि एक टू एंड स्ट्रक्चर है। इस कैप्स्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होती हैं, बट एक सेल किसकी तरह बिहेव करने लगती है? स्पेशलाइज हो जाती है और बिहेव करने लगती है एसएमसी की तरह। एसएमसी मतलब स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी, कैप्स्यूल फॉर्म्स एसएमसी। एसएमसी इज स्पोर मदर सेल। अगर मैं यहां पर पूछूं स्पोर मदर सेल की प्लॉयडी क्या होगे, तो तुम बोलोगे मैम ये कैप्सूल का पार्ट है। कैप्सूल अगर डिप्लॉयड है तो स्पोर मदर सेल भी क्या होगी? डिप्लॉयड। अब ये स्पोर मदर सेल क्या करती है? स्पोर मदर सेल करेगी मियोसिस। बट यहां पर ये मियोसिस कहां पर हो रही है? स्पोर मदर सेल के अंदर। तो ऐसी मियोसिस को क्या बोलोगे बच्चों? स्पोरिक मियोसिस। और जब स्पोरिक मियोसिस होती है तो एंड रिजल्ट तुम्हें क्या मिलता है? स्पोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पोर्स की प्लॉयडी क्या होगी, जो भी चीज मियोसिस के बाद बनती है उनकी प्लॉयडी क्या होती है बच्चों? हैप्लॉयड। क्या होती है? हैप्लॉयड। तो आप देखो, हमने हैप्लॉयड से शुरू किया था ना, कहां से शुरू किया था? हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से शुरू किया था। और हमने पूरा का पूरा साइकिल भी अंत में जाकर के कहां खत्म किया? स्पोर्स पर। तो ये है एक तरीके का इनका लाइफ साइकिल। तो जो हमने डिस्कस किया है, ये जनरल पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ब्रायोफाइट्स के केस में देखा जाता है। अब एक बार स्पोर मिल गया तो जब जैसे सीड मिल जाती है, सीड बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, जहां जहां गिरती वहां से नया पौधा एंजियोस्पर्म का आ जाता है। सिमिलरली स्पोर्स बन गया है, स्पोर्स उड़ेगा, जहां जहां गिरेगा वहां वो जर्मिनेट करेगा। क्या बनाने के लिए बच्चों? इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉयड मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट, जो इनकी मेन बॉडी होती है वो बन जाएगी आफ्टर जर्मिनेशन। और गैमेटोफाइट बन गया तो फिर ये गैमेटोफाइट क्या कर जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा और बनाएगा रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और कहानी फिर से शुरू होगी। फिर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर से गैमेट्स, फिर से फ्यूजन, फिर से फर्टिलाइजेशन, फिर से जायगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। तो हमने जो अभी पढ़ा है बच्चों, ये सिर्फ जनरल प्रोसेस पढ़ा है। अभी जब हम स्पेशलाइज पढ़ेंगे कि लिवर वॉट्स और मॉसेस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वहां पर वो चीज हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। जब आप हेडिंग देख रहे हो तो मैंने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों लिख करके रखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बच्चों इसी तरीके से आया जाता है
कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसीलिए मैंने लिखा भी उसी की तरीके से, ठीक है। तो आओ फटाफट लिखते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इट प्रिवेंट सोइल इरोजन, क्योंकि ना ये कैसे होते हैं बच्चों, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है, और ये ना चटाई की तरह बिछ जाते हैं। ये देखो, ये है मॉस, ये आपने देखा भी होगा, ये देखो चटाई की तरह पर ऐसा लगेगा मैट बिछी हुई है ग्रीन कलर की, जैसे आजकल ग्रीन कारपेट नहीं आते आर्टिफिशियल, उस हिसाब से ये पूरे के पूरे बिछ जाते हैं लैंड पर, सोइल पर। तो ये ऑब्वियसली क्या करेंगे, मैट का मैट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दे गोना प्रिवेंट सोइल इरोजन, जब बारिश होगी एक्सेसिव तो बारिश के पानी के साथ ये सोइल को बहाएंगे नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपका, अगर अच्छा नेक्स्ट पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं ये इकोलॉजिकल है या इकोनॉमिक, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कि मैम ये तो इकोलॉजिकल, ऑब्वियसली जिसको नेचर को जिससे नेचर को फायदा मिले वो इकोलॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास में आप पढ़ोगे सोइल इरोजन हो गया, ठीक है, यहां पर लिख लेती हूं इट फॉर्म्स डेंस मैट, चटाई जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा इट हेल्प्स इन सोइल फॉर्मेशन, और लाइकेंस के साथ साथ एंड अलोंग विथ लाइकेंस हेल्प इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, दे हेल्प इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। बच्चों क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे सक्सेशन का मतलब होता है कि एक इकोसिस्टम में ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो आपको पूरा का पूरा अभी हाल फिलहाल में कोई एक लेक है दिखाई दे रहा है, आज से 1000 साल, 10,000 साल, 20-25 लाख, मतलब बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो लेक कंप्लीटली चेंज हो जाए फॉरेस्ट में। तो इस तरीके का चेंज जो इकोसिस्टम में होता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये सब कराने के लिए तुम्हें कुछ कम्युनिटीज चाहिए। जैसे मैंने अभी किसका एग्जांपल लिया है कि लेक का कन्वर्जन हो जाए फॉरेस्ट में, सिमिलरली एक पूरा का पूरा रेगिस्तान डेजर्ट कन्वर्ट हो सकता है फॉरेस्ट में। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में हो जाएगा बच्चों, उसके लिए मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे सूखी जगहों पर जब सक्सेशन होती है, चेंज होती है, तो उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है लाइकेंस और एक होता है मॉस, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है दे हेल्प इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। और यू कैन से, अब भैया रेगिस्तान से, रेगिस्तान में प्लांट सपोर्ट नहीं होता, धीरे धीरे उसको उस रेगिस्तान वाली मिट्टी को, सॉइल को कन्वर्ट होना पड़ेगा प्रोडक्टिव सॉइल में। तो ये सब कौन करवाता है, लाइकेंस और मॉसेस मिल करके कराते हैं, तभी जाकर के इकोलॉजिकल सक्सेशन आती है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये दोनों ही इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैं साइड में लिख दे रही हूं इकोलॉजिकल, दिस इज इकोलॉजिकल, नेचर को फायदा मिल रहा है ओवरऑल, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट हमें भी मिलेगा ऑब्वियसली। इसके बाद मैं एक मॉस लिख रही हूं जिसका नाम होता है स्फेगनम। स्फेगनम को बॉग मॉस भी बोला जाता है, क्योंकि दलदली, बॉग मतलब दलदल टाइप इलाके में मिलते हैं स्फेगनम। अब ये जो स्फेगनम है ना बच्चों, स्फेगनम का जो डीकॉम्पोजिशन है, पहला इंपॉर्टेंस लिख रही हूं इसका, इसका जो डीकॉम्पोजिशन है दैट इज स्लो, डीकॉम्पोजिशन इज स्लो, तो ये पूरी तरीके से डीकंपोज होते नहीं। देयरफोर पार्शियली डीकंपोज स्फेगनम, पार्शियली डीकंपोज स्फेगनम, डीकंपोज स्फेगनम फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स पीट। और पीट शायद ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा बच्चों, पीट क्या होता है, कोल का ही एक वैरायटी है, भले ही लो क्वालिटी है, दिस इज दी लो क्वालिटी ऑफ कोल। और कोल किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, है ना। तो ये कैसा इंपॉर्टेंस है, ये फ्यूल वगैरह कहाँ ले से लेते हो, मार्केट में पैसे दे करके खरीदते हो,
है ना, तो ये कैसा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो जो पीट बनता है ना वो स्पेगनम से ही बनता है, इसीलिए स्पेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयरफोर स्पेगनम ऑल्सो नोन एज पीट मॉस। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है स्पेगनम का वो यहां पर लिखते हैं कि जो स्पेगनम होता है ना बच्चों, दैट हैज वेरी गुड वॉटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंस दे आर हाइग्रोस्कोपिक, का मतलब होता है वॉटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, अच्छा होता है काफी। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वॉटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, यही कह सकते हो। इनका वॉटर रिटेंशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। देयरफॉर यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, अगर तुम्हें किसी को सामान भेजना है, शिप करना है, दूर कहीं करना है, टाइम लगेगा, और वो सामान मान लो एक पौधा है, तो पौधे का मॉइस्चर खराब, सड़ जाएगा, सूख जाएगा, फायदा क्या। तो ऐसे सामान को जिसका तुम्हें मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रखना है, तो उसको हमें कागज में, पॉलिथिन में पैक नहीं करना चाहिए, उसको हमें स्फेगनम में पैक करना चाहिए। बिकॉज स्फेगनम मेंटेन्स द मॉइस्चर कंटेंट, इट मेंटेन्स द वॉटर रिटेंशन, उसकी जो वॉटर रिटेंशन एबिलिटी बहुत अच्छा है। तुम्हारा जो भी गिफ्ट है, मटेरियल है अंदर, जब तुम शिप करोगे तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक जिसको पहुंचाना है उसको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये यूज होता है। तो ये दोनों कैसा यूज है बच्चों? मार्केट वाला यूज है, तो इट यूज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिकल पर्पजेस। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मार्क कर दोगे। इवन एक और होता है बच्चों, ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन होता है ना सॉफ्ट सा, तो कॉटन को हम ड्रेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कॉटन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है स्फेगनम, ठीक है। इसको कॉटन मॉस भी बोला जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो यस, ये इतना ही करो अभी। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों, दैट वुड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हिपैटिक कॉप्सिडा और एक ब्रायोप्सिडा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टू क्लासेस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। एक का हमने नाम देखा हिपैटोकॉप्सिडा और एक है ब्रायोप्सिडा। इसमें जनरली किसके बारे में हम बात करेंगे? ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉसेस को इंक्लूड करता है, ठीक है, या यू कैन जस्ट से मॉस। हिपैटिक कॉप्सिडा में एक वर्ड आ रहा है हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हिपैटिक मींस लिवर, इजंट इट। तो इनका नाम क्यों ऐसा दिया गया है? बिकॉज दे हैव लिवर शेप्ड गैमेटोफाइट्स। कैसा शेप होता है गैमेटोफाइट्स का? लिवर शेप्ड गैमेटोफाइट्स। इसीलिए इनके अंदर क्या आते हैं, नाम भी देखो किसका है, लिवर वॉट्स। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स के लिए चार लाइन एनसीईआरटी ने दिया है, मॉस के लिए 5, 6, 7, 8 लाइन बस। और ये समझते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए वी गोना यूज सम ऑफ द पिक्चर्स एंड वर्चुअली समझने की हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो लिवर वॉट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? आपको पढ़ना है रिशिया मार्केंशिया। ये जो रिशिया और मार्केंशिया होते हैं बच्चों, दे हैव थैलॉइडल बॉडी, ठीक है। इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलॉइड होता है, मतलब प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ में नहीं होता है। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर लिख देती हूं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एन। दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एन, मतलब हैप्लॉइड। एंड दे हैव लीव लाइक स्ट्रक्चर, वो भी हैप्लॉइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजॉइड्स। तो लिवर वॉट्स में जो राइजॉइड्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, एक ही सेल की बनी होती हैं और कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, दे आर अनब्रांच्ड। जबकि मॉसेस में आपको बताऊंगी मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ बच्चों, थैलॉइड बॉडी तो हमने डिस्कस कर ली, और इनकी जो सिमेट्री होती है ना, दे हैव डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री। जैसे दो लीफ का हमने पढ़ा था ना, डॉर्सल
मतलब डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि दे हैव टू सरफेस, द अपर एंड द लोअर, इनके भी दो सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल सरफेस एक वेंट्रल सरफेस, इसीलिए इनको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास ये हो गया रिशिया, ये हो गया मार्केंशिया, और एक होता है पोरेला, पोरेला लीफी लाइक होता है। तीनों का डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम के साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी में पोरेला के लिए सिर्फ लीफ लाइक लिखा हुआ है, लीफी लाइक लिवरवॉर्ट्स। ये देखो, मैं आपको सबसे पहले पोरेला दिखा देती हूँ, ये देखो दिस इज पोरेला, दिस इज पोरेला, देखो आप देखो लीफ लाइक है। इस लिवरवॉर्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोरेला। सिर्फ आपको इतना ही देखने के लिए ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे रिशिया, ये देखो बच्चों, ये तो आपको दिखा दिया जनरली चटाई जैसा जो हो जाता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, ये मॉस के बारे में है, जनरल मॉस। ये जो डायग्राम है बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ रिशिया, ये रिशिया का डायग्राम है, ठीक है। यहां पर इसका एक ये आपको पूरा दिखा रहे हैं कि सॉइल में कैसा है, और डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये रिशिया है, बी डॉर्सल व्यू है, सी वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और याद रखना ये रूट लाइक स्ट्रक्चर कौन सी साइड में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वेंट्रल व्यू, दिस इज द वेंट्रल व्यू। ये जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कहां पर दिखाई दे रहा है, वेंट्रल में। डॉर्सल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डॉर्सल में आपको ये दिखाई दे रही है मिडरिप। और इसकी खास बात होती है, यहां पर आप देख सकते हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, मतलब एक चीज आ रही है और फिर वो दो में इस तरीके से बाइफरकेट होना, इसको क्या बोलते हैं, डाइकोटोमी, या बोल सकते हो डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो इनकी ये खास बात है रिशिया की, आप देख सकते हो आपको डाइकोटोमस दिखाई दे रहा है, चाहे इसमें देखो चाहे वेंट्रल व्यू में देखो। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, यहां पर मैं रिशिया का डायग्राम बनाऊं, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूं, ये हो गया इसका, समझने के लिए डायग्राम देख लिया, और ड्रॉ करने के लिए हम अपना सिंपल सा डायग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हम बनाएंगे डॉर्सल साइड, ये हम बनाएंगे वेंट्रल साइड। अभी हमने देखा कि वेंट्रल के तरफ ही क्या प्रेजेंट था, स्केल्स प्रेजेंट थे, तो ऐसे लिख लो स्केल्स, और इधर ही रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ठीक है। और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स, ठीक है। और ये राइजॉइड्स क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, और अनब्रांच रूट लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच। अगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बार बार लिख दे रही हूं सो दैट तुम्हें अभी तक याद हो चुका हो, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो अगर पूछा जाए राइजॉइड्स और स्केल किस तरफ मिलते हैं रिशिया के, तो वेंट्रल तरफ। डॉर्सल वेंट्रल क्यों पढ़ रहे, क्योंकि इनका दो सरफेस होता है, तभी इनकी ऐसी सिमेट्रीज को डॉर्सल वेंट्रल सिमेट्री बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सेक्स ऑर्गन्स कहां मिलते हैं, तो इनके पास डॉर्सल सरफेस के तरफ इस तरीके के ग्रूव्स प्रेजेंट है, ठीक है, गड्ढा है बच्चों। इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, इन गड्ढे को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में क्या दिखाई देता है, इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में दिखाई देते हैं बच्चों सेक्स ऑर्गन्स, क्या दिखाई देते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। और सेक्स ऑर्गन्स बच्चों कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन मतलब गेमिटोफाइट, तो मेल गेमिटोफाइट भी दिख सकता है एंड फीमेल गेमिटोफाइट भी दिख सकता है, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो ये देखो मेल और इसी पे फीमेल, मतलब एक ही घर पर एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों दिखाई देते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था ना कि अगर एक ही घर पर मेल और फीमेल दोनों दिखाई दे तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोशियस। तो रिशिया कैसा होता है बच्चों, रिशिया होता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मोनोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, ठीक है। तो रिशिया ऐसा है। अगर मैं मार्केंशिया की बात करूं बच्चों, तो मार्केंशिया का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और सबसे इजी सवाल जो उससे पूछा जाता है, एक ही थैलस उठा करके देते हैं और आपको पहचानना होता है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है।
दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि मेल और फीमेल का अलग अलग थैलस है, तो मार्केंशिया क्या होता है बच्चों? मार्केंशिया होता है डायोशियस. डायोशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन एंड प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस. थैलस का मतलब डिफरेंट प्लांट बॉडी, क्योंकि यहां पर इनकी प्लांट बॉडी को थैलस ही बोला जाता है. और बना भी लेते हैं बच्चों, ये देखो ये है आपका मेल थैलस एक बनाएंगे और एक फीमेल थैलस बनाएंगे. ये मैं जो बनाऊंगी ये मेल थैलस बनाऊंगी, दैट मीन्स यहां पर मैं दिखाऊंगी मेल गैमेटोफाइट. ये जो मैं बनाऊंगी वो फीमेल थैलस दिखाऊंगी, दैट मीन्स मैं दिखाऊंगी फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, ये देखो इनके सेक्स ऑर्गन्स जैसे रीशिया में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट है, ये ग्रूव के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट ज्यादातर जो इनके में देखा गया है कि इनका जो गैमेटोफाइट है वो ऐसे डंडी के ऊपर लगा होता है. इस डंडी को अगर इस डंडी के ऊपर मेल होगा, मेल गैमेटोफाइट, तो उसको बोला जाता है एंथ्रीडियोफोर. क्या बोला जाता है? एंथ्रीडियोफोर. अगर इस डंडी के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम होता है, तो इस डंडी को क्या बोलेंगे? इस डंडी को बोलेंगे आर्किगोनियोफोर. ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ये फोर है ना बच्चों, अगर मतलब समझ जाओगे तो याद हो जाएगा. स्पोर का मतलब होता है डंडी, मतलब स्टॉक. द स्टॉक विच बियर्स आर्किगोनिया, उस डंडी को हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर. द स्टॉक विच बियर्स एंथ्रीडियम, उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रीडियोफोर. तो अब बना करके भी दिखा देते हैं बच्चों. देखो, जब अगर बात आएगी एंथ्रीडियोफोर पहचानने की, तो इस तरीके से लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इस तरीके से अमीबा की तरह लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो समझ जाना वो एंथ्रीडियम है. और उस डंडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियोफोर. एनसीईआरटी में भी देखो इस तरीके का होगा. और जब लंबा लंबा रेस के फॉर्म में इस तरीके से होता है, तो वो क्या होते हैं बच्चों? वो होता है आर्किगोनियम. और इस जिस डंडी पे ये लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उस डंडी को हम बोलेंगे आर्किगोनियोफोर. क्या बोलेंगे बच्चों? आर्किगोनियोफोर. ठीक है, ओके. तो हमने रीशिया मार्केंशिया डिस्कस कर लिया है. अब इनके बारे में हम क्या बात करेंगे बच्चों? इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अगर मैं लिवर वॉर्ट्स, मतलब जनरल मैं लिवर वॉर्ट्स के रिप्रोडक्शन की बात करूंगी. ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं. ठीक है, कि इनमें लिवर वॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. इनकी बॉडी के बारे में पढ़ लिया, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है. किससे हो सकती है? फ्रेगमेंटेशन से. वैसे तो फ्रेगमेंटेशन ज्यादा बेहतर किसके लिए होता है? वेजिटेटिव के लिए. बट एनसीईआरटी लिखती है तो बच्चों लिख लो. या कैन बी थ्रू अ स्पेशलाइज्ड बड. और उस बड को क्या बोला जाता है? गैमा, या गैमी भी बोल सकते हो बच्चों, प्लूरल हो तो गैमा या गैमी. बट बच्चों ये गैमी लिखा है, ये जो प्लूरल है दिस इज प्लूरल, और अगर सिंगल एक ही हुआ तो हम बोलते हैं गैमा. बट ये सिर्फ किसमें मिलता है बच्चों? ये स्पेशल स्ट्रक्चर है और ये दिखाई देगा इन मार्केंशिया ओनली. तो पॉइंट नंबर वन, इन मार्केंशिया कहां पर मिलता है? इन गैमा कप्स. अभी बना करके दिखाऊंगी बच्चों. ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स होते हैं. ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक है. और स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, मतलब स्टॉक पर लगा होता है, डंडी पर लगा होता है. और इसको स्पेशल एसेक्सुअल बड बोला जाता है, बट सिर्फ किसमें बोला गया है?
मार्केंशिया में, जैसे ये मार्केंशिया है ना, तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये क्या बना है बच्चों? ये बना है गैमा कप, गैमा कप। और इस कप के ऊपर आपको दिखाई देते हैं एट, ये एट लग रहा है ना न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6 7 एट वाला, ये जो एट आपको दिखाई दे रहा है इस एट को क्या बोलते हैं बच्चों? गैमा। एक बनाया इसलिए गैमा लिख रही हूं, और दो तीन बनाती तो गैमे लिखती है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है गैमा कप, दिस इज व्हाट, दिस इज गैमा कप, और इस गैमा कप के ऊपर एट के तरह से क्या दिखाई देते हैं बच्चों? ये क्या है? गैमी, दो है ना इसलिए गैमी लिख दिया है, और ये गैमी स्टॉक के हेल्प से इस गैमा कप पर लगे होते हैं। ये क्या है बच्चों? स्टॉक। अगर मैं एक गैमी को थोड़ा सा एनलार्ज करके फोकस करके दिखाऊं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एट एट जैसा दिखाई देता है, एट जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत सारे पेरेन्काइमेटल सेल्स भरे पड़े हैं, दैट मीन्स सो मेनी पेरेन्काइमेटल सेल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। ये यहीं से क्या कर जाता है बच्चों? फ्रेगमेंट। क्या कर जाता है? फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट। और जब यहां से ये टूटेगा तो एक हिस्सा ये बनेगा, एक हिस्सा ये बनेगा। ये वाला हिस्सा एक थैलस ऑफ मार्केंशिया बना सकता है, ये वाला हिस्सा एक थैलस ऑफ मार्केंशिया बना सकता है। मतलब अगर एक गैमी है, सिंगल गैमी, सिंगल गैमा कैन फॉर्म टू थैलस ऑफ मार्केंशिया, टू थैलस ऑफ मार्केंशिया। ठीक है, तो इस तरीके का स्पेशल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ मार्केंशिया में दिखाई देता है। तुम इसके लिए रिशा की बात नहीं करोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस फॉलोज द जनरल पैटर्न, इसमें बिल्कुल जनरल पैटर्न होता है, इट फॉलोज द जनरल पैटर्न। एंड व्हाट इज द जनरल पैटर्न? हमने पढ़ा था ना कि मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, उस मेल गैमीट का नाम क्या होता है? बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। सो मेल गैमीट क्या करता है? मेल गैमीट कीमोटेक्सिस का इस्तेमाल करके, कीमोटेक्सिस मतलब फीमेल जो केमिकल रिलीज करती है उसके इशारे में चलता है एंड फ्यूजेस विथ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं बच्चों? एग। उसके बाद क्या बन जाता है? इट फॉर्म्स जायगोट। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। जायगोट फिर माइटोसिस से बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर क्या बनाता है बच्चों? स्पोरोफाइट। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस। कौन सी मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। तो क्या बन जाता है? स्पोर्स। अच्छा, जैसे सीड बनती है तो सीड फिर हवा चलती है, सीड डिस्पर्स होती है ना, ये हमने पहले भी सुना हुआ था। हम बोल रहे हैं कि ये स्पोर्स कहां पर बनते हैं बच्चों? ये स्पोर्स बनते हैं कैप्स्यूल में, है ना, कैप्स्यूल के अंदर ये बन रहे हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स बाहर कैसे आए? जब कैप्स्यूल फटेगा, है ना, तो स्पोर्स कैप्स्यूल के अंदर, ये सांप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्टर्स। इलेक्टर्स दे आर स्पोर डिस्पर्सल स्ट्रक्चर। किसमें मिलते हैं ये? ये स्पोर डिस्पर्सल स्ट्रक्चर दिखते हैं मार्केंशिया में। रिशिया थोड़ी सी लोअर है ना, इससे ज्यादा थोड़ी सी एडवांस नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर तुम्हें मार्केंशिया में मिलते हैं। ये सांप जैसे स्ट्रक्चर है, कॉइल स्ट्रक्चर, घूमते रहते हैं। इनके घूमने से कैप्सूल में प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से कैप्सूल फट जाता है, और उसके फटने से सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और जब ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे तो फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं
टू फॉर्म लिवर वॉट्स. अगर लिवर वॉट्स बनाना है तो थैलॉइड बॉडी वाला गैमेटोफाइट बनेगा. थैलॉइड बॉडी वाला गैमेटोफाइट बनेगा. थैलॉइड बॉडी वाला क्या बनेगा बच्चों? गैमेटोफाइट बनेगा, जिसकी डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री होती है. बिकॉज हमें पता है लिवर वॉट्स हैव डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री. ठीक है, तो यहां पर हमने स्पोर डिस्पर्सल स्ट्रक्चर भी देख लिया क्या होता है लिवर वॉट्स में, और स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे वो भी देख लिया. एक खास बात जो आपको याद रखनी है, इस डब्बे में लिखते हैं कि यहां का जो स्पोरोफाइट्स होता है, यहां का जो स्पोरोफाइट होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, इज कंप्लीटली डिपेंडेंट. डिपेंडेंट के लिए मैंने एक और वर्ड बताया था कि पैरासाइट, है ना. तो हम इसको लिखते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट या कंप्लीटली पैरासिटिक. कंप्लीटली पैरासिटिक होगा किस पे? गैमेटोफाइट पर. दैट मींस अपने सब कुछ के लिए, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, वो हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? मेन बॉडी पर. और इसकी मेन बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट. ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी के. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लास जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉस. मॉस पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वैसे तो हमें पता है ब्रायोफाइट्स, तो मेन बॉडी गैमेटोफाइट होगी, होगी और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है. बट यहाँ के जो गैमेटोफाइट होती है ना, थोड़े अलग तरीके से होती है. इसमें दो स्टेजेस आते हैं गैमेटोफाइट में. एक आता है प्रोटोनिमा स्टेज और एक आता है लीफी स्टेज, इसमें लीफ दिखाई देती है और उसी में गैमीट्स वगैरह बनते हैं, उसको गैमेटोफोर स्टेज भी बोलते हैं. कैसे अलग है, एक डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा है और वे बच्चों को समझ में नहीं आता है. हम बोल रहे हैं कि स्पोर्स जब बन जाता है तो फिर जर्मिनेट करके एक नया बॉडी बनाता है, नया गैमेटोफाइट बनाता है. ये स्पोर्स मान लो बन गया, ये स्पोर बन गया, साइज लिखी हुई है. ये स्पोर किसका है? ये स्पोर है मॉस का. जब मॉस का स्पोर होगा ना तो सीधे वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद बनाता है गैमेटोफाइट. और उस गैमेटोफाइट को मॉस के केस में क्या बोला जाता है बच्चों? उस गैमेटोफाइट को मॉस के स्टेज में बोला गया है प्रोटोनिमा. तो जो प्रोटोनिमा डायरेक्टली स्पोर से बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा. ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, आप ये देखो, ये पेड़ तो ऐसे ग्रो करते हैं बट प्रोटोनिमा वाला जो स्टेज है, ये वाला जो गैमेटोफाइट मॉस में बनता है, वो ऐसे घास की तरह इस तरीके से ग्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली. इस तरीके के ग्रोथ को प्रोस्टेट बोलते हैं. एक दो तीन चार, कितने सारे सेल्स हैं, इसी फिलामेंट्स हैं. इसलिए एनसीईआरटी ने फिलामेंटस भी लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर भी लिखा हुआ है. प्रोस्टेट क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं. और क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ब्रांचिंग भी है, इधर से ब्रांच भी है, इसलिए ब्रांच्ड भी लिखा हुआ है. कलर कैसा है? ग्रीन. दैट मींस फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो प्रोटीनिमा कुछ भी नहीं, एक गैमेटोफिटिक स्टेज होता है मॉस में, जिसका बट उसका एक नाम दिया गया. जैसे हम सब इंसान है बट हम सबका एक नाम है, तो यहां पर उस गैमेटोफिटिक का स्टेज का नाम है दैट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा, बिकॉज दैट इज गेटिंग डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोर. साथ ही साथ यहां पर देखो ये क्या बना ले रहे हैं बच्चों? बड्स. और ये बन रहा है राइजॉइड. राइजॉइड जो अभी बनेगा, अभी आप पढ़ोगे, इसमें जो बनता है वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होता है. ठीक है, इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा बड बना लिया है ना, धीरे धीरे और जर्मिनेट करेगा, अपना दूसरा रूप लेता है, दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा. और फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में इस तरीके के बड्स बनेंगे. तो देखो ये बड फिर एक पूरा का पूरा पेड़ बना ले रहा है. क्या बना रहा है? पेड़. अब ये पेड़ कैसे ग्रो कर रहा है? सीधा ग्रो कर रहा है. और इसमें आपको प्रॉपर लीफ दिखाई दे रहा है. यहां पर लीफ नहीं दिखाई दे रहा था, यहां पर लीफ दिखाई दे रहा है. इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चों? लीफी स्टेज. और इस स्टेज में आपको पौधे का जो एकदम टिप है, यहां पर आपको दिखाई देते हैं गैमेटोफोर्स, मतलब गैमेटोफाइट, मतलब गैमीट्स वगैरह बनाएंगे. अब गैमेटोफोर गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? मेल होगा, फीमेल होगा. तो यहां पर देखो, आपको इसको जूम करके दिखाया हुआ है कि इसको थोड़ा जूम करोगे तो यहां पर आपको एंथ्रीडिया दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स ये कहां से बना होगा? फ्रॉम एंथ्रीडियम, क्योंकि यहां पर मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम होता है. और ये एग कहां से बना होगा? फ्रॉम आर्किगोनियम. तो यहां से क्या पता चल रहा है कि गैमीट्स वगैरह कहां पर बन रहे हैं? एकदम टिप पर बन रहे हैं. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दैट जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो टिप पर होते हैं. ठीक है, और सेक्स ऑर्गन्स कहां पर दिखाई देंगे आपको? किस स्टेज में दिखाई देंगे बच्चों? सेक्स
ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं लीफी स्टेज में, ठीक है। उसके बाद बच्चों गैमीट्स बन गया, तो ये वाला मोटाइल होता है, फटाक से फीमेल के पास चल करके आ जाएगा केमिकल के इन्फ्लुएंस में, वही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन प्रोसेस। जैसे इसके पास आएगा यहीं पर क्या बन जाएगा बच्चों, जायगोट, यहीं पर क्या बनेगा, जायगोट। फिर ये जायगोट क्या करता है, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो क्या करता है, डिवाइड करके बना लेगा स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट एकदम यहां पर टिप पर बनता है बच्चों, इसीलिए फूड सीटा कैप्सूल इसके ऊपर दिखाई देता है, अभी बनाएंगे वो भी, ठीक है। तो आओ चलो सारा का सारा समझ लिया है, एनसीईआरटी की बातें कर लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि प्रोटोनिमा कैसा होता है, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंटस बहुत सारे सेल का बना है, मल्टी सेलुलर, किस कलर का था, ग्रीन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक। कैसे चल रहा है, घास की तरह ऐसे चल रहा है, क्रीपिंग। ब्रांच दिखा दिया था, प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, और ये किससे डेवलप कर रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, दैट इज व्हाट इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोटोनिमा। उसके बाद दूसरा स्टेज था जिसको गैमेटोफोर बोला, क्योंकि ये स्टेज क्या करता है, दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। देखो लिखा हुआ है दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कहां थे, एकदम टॉप पर, टिप पर, एपेक्स पर, ठीक है। और ये किससे बनता है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी में जब बर्ड फॉर्मेशन होती है, तो उससे कौन बनता है, ये लीफी स्टेज। अब जब मैंने बोला कि इसके पास सेक्स ऑर्गन होता है, तो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल का नाम क्या होगा, एंथ्रीडियम, फीमेल का नाम क्या होगा, आर्किगोनियम, अभी दिखाया भी था। एंथ्रीडियम क्या करेगा, एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमीट, दैट इज एंथरोजोइड, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट, दैट इज एग। दोनों में क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बनेगा जायगोट, क्योंकि अगर गैमीट्स टॉप पर बन रहे तो जायगोट भी टॉप पर बनेगा, ठीक है। और इसके पास पत्तियां होती हैं बिल्कुल अपराइट, सिलेंड्रिकली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो स्पाइरली ऐसे ऐसे घूम घूम करके लीव्स अरेंज है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। अब मैं अगर अपना सिंपल सा भाषा से डायग्राम बताऊं, तो ये देखो स्पोर है, ये स्पोर है, स्पोर क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, तो स्पोर जब जर्मिनेट कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, जिसमें बर्ड फॉर्मेशन भी दिखा दिया, ठीक है, और राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। इसी से बड़ा होकर के बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा आगे जाकर के बनाता है लीफी स्टेज, जिसको हम गैमेटोफोर बोलते हैं, क्योंकि यहां पर मिलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अगर मैं लीफी स्टेज बनाऊं तो इस तरीके से बनाऊंगी, चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्लॉइडी क्या होगी, एन। ये क्या है, बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, प्लॉइडी क्या होगी, एन। और नीचे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, नीचे प्रेजेंट होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, प्लॉइडी क्या होगी, एन। राइजोइड्स क्या होते हैं, यहां पर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। अब हमने बोला ये क्या है, ये है गैमेटोफिटिक स्टेज। कैसी स्टेज है बच्चों, ये गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है, हैप्लॉइड। हम बोल रहे हैं कि गैमीट्स यहीं पर बन रहा है टिप पर, क्योंकि गैमेटोफाइट यहीं पर है, सेक्स ऑर्गन यहीं पर है, तो जायगोट भी यहां पर बनेगा। अब बच्चों अगर जायगोट यहां पर बना है तो स्पोरोफाइट भी तो ऊपर ही बनेगा, अभी डायग्राम में भी दिखाया था। तो अगर मैं इसका इसके बाद का स्टेप दिखाऊं आपको, तो देखो इस तरीके से होगा, ठीक है, यहीं पर जायगोट बन रहा है, तो यहीं पर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और यही स्पोरोफाइट फिर डेवलप करता है टू फॉर्म, ये हो गया फुट। किससे बना स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो किससे बना, जायगोट से। जायगोट कहां बना था, यहां पर, ये जो डंडी है दिस इज सीटा, और ये जो बना है दिस इज कैप्स्यूल, क्या है, कैप्स्यूल, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विच इज 2N। ये नीचे वाला क्या था, गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूं बच्चों, एक बात बताना चाहती हूं, ठीक है। यहां पर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज पार्शियली पैरासिटिक, पार्शियली पैरासिटिक, पार्शियली पैरासिटिक का मतलब है कि वो पार्शियली डिपेंडेंट है,
ऑन मेन बॉडी दैट इज गेमिटोफाइट। ऐसा क्यों? आप देख रहे हो कि स्पोरोफाइट टिका किस पे हुआ है? गेमिटोफाइट पर। तो डिपेंडेंट तो है, बट पार्शली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं, बस इतना याद रखना कि स्पोरोफाइट अपने खाने की देखभाल खुद कर सकते हैं। खाने के लिए ये गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनका जो कैप्सूल होता है, इसको जब इलैबोरेट स्ट्रक्चर देखा गया तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल मिली, तो वो अपना खाने का देखभाल तो खुद कर सकते हैं। बस किसके लिए ये इस पे डिपेंडेंट है? शेल्टर के लिए, क्योंकि इसका घर ही इसके ऊपर टिका हुआ है, तो इस पर्पस के लिए इसको बोला जाता है पार्शली पैरासिटिक या पार्शली डिपेंडेंट। फिर एक और लाइन लिखी हुई है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है, द स्पोरोफाइट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इलैबोरेट देन लिवर वॉट्स ठीक है, क्योंकि लिवर वॉट्स में प्रॉपरली इतना फूड सीटा कैप्सूल नहीं होता। अगर मैं रिशिया की बात करूं तो उनके पास स्पोरोफाइट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल ही होता है, बट यहां पर देखो, ठीक है, बट आप यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉपरली फूड सीटा कैप्सूल दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां का जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड इंटू, मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना कि मॉस का ज्यादा प्रॉपरली इलैबोरेट है या लिवर वॉट्स का ज्यादा प्रॉपरली इलैबोरेट होता है, तो आप बोलोगे किसका इलैबोरेट है? मॉस का, क्योंकि यहां प्रॉपर फूट और सीटा कैप्सूल होता है। अगर मैं रिशिया की बात करूं ना, तो रिशिया में ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट ऑन द नेम ऑफ स्पोरोफाइट, फूट सीटा गायब। दैट मीन्स स्पोरोफाइट इतना कॉम्प्लेक्स, इतना इलैबोरेट, इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस। जब हम कल मिलेंगे बच्चों, तब हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और हम नया ग्रुप शुरू करेंगे दैट इज स्टेडोफाइट। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? एम्फीबियंस, मतलब उनको पानी और लैंड दोनों चाहिए। मेल गेमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के पास दो फ्लैजला होता है, बाईफ्लैजलेटेड, यूनि मींस वन, मल्टीफ्लैजलेटेड मतलब मेनी, मोटाइल नॉन मोटाइल तो नहीं होते क्योंकि मेल है, अगर फीमेल पूछा जाता तो नॉन मोटाइल, या नन लिखा हुआ है, सॉरी नॉन होना चाहिए, स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट थायलॉइड नहीं, लीफी लाइक बोलते हैं जनरली, लीफी लाइक थायलॉइड होता है, बिल्कुल सही, लीफी इनमार्केंशिया नहीं बोलते, तो हम क्या बोलेंगे? थायलॉइड इनमार्केंशिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट है गेमी आर, गेमी यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, ठीक है, डिप्लॉयड तो स्पोरोफिटिक पार्ट नहीं, गेमिटोफिटिक पार्ट होता है, हैप्लॉयड सेक्सुअल नहीं होता बच्चों, एसेक्सुअल बर्ड है। विथ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू रेड एल्गी, अच्छा ये आपका होमवर्क है, क्योंकि रेड एल्गी हमने पहले पढ़ा हुआ था इसके पिछले क्लास में, सो दिस इज योर होमवर्क, आपको स्पेसिफिक पिगमेंट्स और रिजर्व फूड के बारे में तो यू विल हैव टू टेल, ठीक है, ओके। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इंटू होल्ड फास्ट एंड साइप, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये आपको मैं हिंट दे देती हूँ, हिंट है आपका कि ऐसा ब्राउन एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी आपको ढूंढना है, ठीक है, तो चलो होमवर्क क्या मैं ही कर देती हूँ। लैमिनेरिया इज अ ब्राउन एल्गी, ईडोगोनियम एसिटोबुलेरिया इज द ग्रीन एल्गी, अल्वा इज द ग्रीन एल्गी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बच्चों, यहाँ तक रिवाइज करके आना, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है। कुछ लाइफ साइकिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स की, तो तुम्हारा नेक्स्ट अपने भी रिवाइज करके आओगे, मैम भी आपका लाइफ साइकिल की तो रिवाइज कराएंगी, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो रिवाइज करके आना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।